मनोहरापुर निवासी पति पत्नी के साथ पुराने मामले को लेकर भाई ने ही की मारपीट। पीड़ित ने दी तहरीर। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा इकोना अस्पताल। सावसी जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के मनोहरापुर गांव का मामला, जहां पर पति पत्नी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में पीड़ित पति पत्नी ने इकोना पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल परीक्षण के लिए दोनों को इकोना अस्पताल भेजा। सावसी जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के मनोहरापुर गांव का यह पूरा मामला है। जब पति पत्नी दोनों घर से पुलिस चौकी जाने के लिए निकले थे, तभी रास्ते में उनकी पिटाई कर दी गई। ऐसे में पीड़ित ने इकोना थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल परीक्षण के लिए पति पत्नी को इकोना अस्पताल भेजा। सावसी जनपद के इकोना इलाके के मनोहरापुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर पति पत्नी की पिटाई की गई। इनके घर कहाँ है? मनोहरापुर। कैसे चोट लगी? सुबह कल चौकी साहब लोग आए थे, बुला गए थे आज के लिए, तो हम सुबह सुबह अपने वाइफ को बोले आगे चल, छोटे बच्चे को घर पे छोड़ने गए थे। तो उसके बाद में हम छोटे बच्चे को घर पे छोड़े, उसके बाद में हम जा रहे थे, 1 किलोमीटर के एयर फेयर में तीन भाई बैठे होते हमारे साथ, उसी ने तीनों भाई ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। इनको भी चोट लगी? हाँ, इनको भी चोट लगी। काहे लिए? कोई पहले मामला था तुम्हारा? हाँ, ये मामला छोटा, सबसे छोटा भाई हमारा लुगाई भगा के लाया। अच्छा। उसको हम लोग घर में कहने, मतलब कि रहने दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे पक्के के घर में नहीं रहने देंगे, क्योंकि बिरादरी की बात है। तो हम अपना बिरादरी, हमारे पास तीन बच्चे हैं, बड़ा सा है हमारा, ये बच्चा ये है बड़ा वाला, और उसके बाद में दो बच्चे और भी हैं। तो हमने बोला, तो जो मारे हो आपके भाई ही हैं? सब भाई हैं। तीन लोग मिलके? हाँ, तीन चार लोग। इकोना पुलिस ने इकोना बाईपास पर वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए 25 वाहनों का किया ई चालान। सावसी जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के बाईपास का मामला, जहां पर इकोना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए कई वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली। इस दौरान 25 वाहनों का ई चालान किया गया। सावसी जनपद के इकोना इलाके के बाईपास का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए 25 वाहनों को रोककर उनका ई चालान किया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में वाहनों का चालान किया गया। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के बाईपास का पूरा मामला है, जहां पर पहुंचकर इकोना पुलिस ने 25 वाहनों का ई चालान किया। इकोना कस्बे के आदर्श गौशाला के पास गौवंश का बच्चा पिछले 3 दिन से बीमार हालत में पड़ा, नहीं है कोई सुध लेने वाला। सावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के इकोना कस्बे का मामला, जहाँ पर आदर्श गौशाला गेट के पास ही एक गौवंश का बच्चा पिछले 3 दिन से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, परंतु इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इकोना आदर्श गौशाला के पास का मामला। इकोना देहात में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अंतरराष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस का किया गया आयोजन, लोगों को किया गया जागरूक। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के इकोना देहात का मामला, जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इकोना देहात में अंतरराष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने युक्तियों को जागरूक किया। इस दौरान स्नेहलता अर्श काउंसलर नाजिम खान माहवारी स्वच्छता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसमें समस्त आशा किशोर किशोरियां आदि मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का इकोना देहात में आयोजन किया गया। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के इकोना देहात सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रयास किया गया। इस दौरान आशा बहु समेत किशोर किशोरी आदि लोग मौजूद रहे। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के स्वर्गीय श्यामता प्रसाद चौधरी महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के स्वर्गीय चौधरी प्रसाद महिला विद्यालय का मामला, जहां पर आज अमृत महोत्सव के क्रम में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में वीर सावरकर का योगदान था। प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सिमी तिवारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर किया। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्रतिभागी लगभग 50 छात्राओं ने क्रमानुसार वीर सावरकर के योगदान को अपने भाषण के माध्यम से उजागर किया। इस दौरान छात्रों के विचारों को सुनकर महाविद्यालय के शिक्षकों का निर्णायक मंडल
प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया, जिसमें बीए प्रथम वर्ष की छात्रा दीक्षा चौधरी को प्रथम स्थान, विद्या पांडे को द्वितीय स्थान तथा साक्षी मिश्रा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक आशुतोष पांडे, अशोक मिश्रा, वेद प्रकाश व विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत भिनगा इलाके में महिला बीट अधिकारियों ने पहुंचकर महिलाओं व युवतियों को किया जागरूक। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा इलाके का मामला, जहां पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला बीट अधिकारियों ने महिलाओं व किशोरियों के बीच में पहुंचकर उन्हें जागरूक किया। इस दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे टोल फ्री नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया, अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो महिलाएं व युवतियां इस नंबर पर टोल फ्री नंबर का उपयोग कर सकती हैं, जिससे उनको त्वरित सहायता प्रदान की जाए।